दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले अगले 5 दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। वैसे भी देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी आदतें भी बताने वाले हैं कि अगर आप इन आदतों को अगले 5 दिनों तक फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि अब आपको जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव खुद देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहें तो आप अपनी इन आदतों को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में हमेशा सफल होते रहें। तो चलिए, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे विस्तार से कि आखिर इन 5 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो आपके जीवन को एकदम से बदल कर रख देगा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कहाँ आपको सावधानियाँ रखनी होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, तो आइए जानते हैं कि अगले 5 दिनों में आपके साथ क्या बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, क्या क्या परिवर्तन आपकी दिनचर्या में होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि इस संसार में मानव रूप में मिले जन का हर कोई अलग प्रकार से प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों, ये बात भी समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग बेवजह ही फालतू काम करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम तुला राशि के उन जातकों के बारे में बताएंगे जो समझदार और भाग्यशाली हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से बिताना चाहते हैं। तो देखिए, एक इंसान की ही आदतें ऐसी होती हैं जो ये तय करती हैं कि वो अपने जीवन में कितना सफल बनेगा और कितना आगे जाएगा, क्या उसको प्राप्त होगा। और देखिए, हर व्यक्ति सफल तो होना ही चाहता है, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, हम सबके बीच बहुत से लोग होते हैं जो परीक्षा से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और ठीक ठाक परिणाम अपने एग्ज़ाम में ले आते हैं, और ऐसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि इतने दिन पढ़कर इतने अच्छे नंबर में ले आया, यदि पूरे साल पढ़ाई करता तो टॉप कर लेता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन लोगों में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं, जिसका कारण है उनकी खुद की आदतें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस इंसान की गलत आदतें उसको नाकामयाबी के अंधेरे में डुबा देती हैं, उसकी जगह कुछ अच्छी आदतें उस इंसान को कामयाबी की ऊँचाइयों तक ले जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर वो अच्छी आदतें क्या है जो आपके भविष्य को सुनहरा कर देती हैं। तो देखिए, अगले 5 दिनों में जो आदतें आपको फॉलो करनी हैं, उनमें से एक आदत ये है कि काम चाहे जितना छोटा हो, उसे पूरी प्लानिंग के साथ आपको करना है। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत से केसों में छोटी छोटी जो योजनाएं होती हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं, उसे प्लानिंग से नहीं करते। हमारे मन में ये प्रश्न हो आता है कि ये तो छोटा सा काम है, मैं इसे चुटकियों में कर लूँगा, लेकिन जब वही काम छोटा होने के बावजूद भी बिगड़ जाता है तो उससे नुकसान केवल हमारा ही होता है, दुश्मन का नहीं। इसीलिए तो दोस्तों, यकीन मानिए कि जब आप टाइम मैनेजमेंट करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो इससे वाकई में परिणाम आपको चौंकाने वाले होंगे। इसीलिए छोटे छोटे कामों को भी आप पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ कीजिए, और सुबह जिस काम को करने के लिए आप जाते हैं, चाहे फिर वो आपकी नौकरी हो, आपका काम हो, या दफ्तर हो, या व्यवसाय हो, यानी जो कोई भी हो, उसके 2 घंटे पहले आप उठ जाइए और अपने पूरे दिन की रूपरेखा निर्धारित कर लीजिए। छोटे छोटे कामों की भी प्लानिंग बना लीजिए कि मुझे कौन सा काम किस वक्त पर किस तरह से करना है, इसके बारे में भी विचार कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि यदि आपने ऐसा कर लिया तो तब आपका पूरा दिन बहुत सही तरीके से बीतेगा, और आप ही रात में ये खुद महसूस करेंगे कि आज का आपका पूरा दिन ही कितना अच्छा गया है, मैंने कितना अच्छा प्रदर्शन दिया, जिसकी वजह से सभी लोगों ने मुझे कितना सम्मानित किया है। तो दोस्तों, इसीलिए हमने ये टॉपिक रखा है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसीलिए ऐसे मौके का फ़ायदा तो आपको आज ही उठा लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए, दूसरी आदत आपको बता दें
कि अगर जीवन में सफलता आपको पानी है तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप अपने हर काम में सर्वश्रेष्ठ दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में ये आदतें होंगी तो आपके जीवन जीने का तरीका सफल हो जाएगा या फिर इस धरती पर मानव रूप में आना सफल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये आदतें ही हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती हैं, इसीलिए आप भी ना सोचें, चाहे वो काम छोटा है या बड़ा है, उसको पूरे दिल से यदि करते हैं तो आपकी यही आदतें कामयाबी के शिखर पर एक न एक दिन आपको पहुंचा सकती हैं। इसीलिए आप आज ही ऐसी आदतों को अपना लीजिए, क्योंकि अब आपको समय बदलने वाला है। ज़िंदगी आपको वो सब कुछ देगी जिसे आप पाने के हकदार हैं। तो दोस्तों अभी आपके पास अच्छा समय है, आप जितना जल्दी हो सके ऐसे गुणों का विकास कर लीजिए। इसके अलावा देखिए, एक सफल इंसान अपने अंदर से कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और उसकी ये नया सीखने की आदत ही एक न एक दिन बड़ी उपलब्धियां दिला देती है। इसीलिए आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं तो एक बात का आप ध्यान रखें कि उस काम से हटकर भी आपको कुछ न कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या पता जीवन के किस मोड़ पर कौन सी चीज़ कब काम आ जाए, या हम भी नहीं कह सकते। इसीलिए कुछ ऐसे काम आपको करने भी सीखने चाहिए जो आपके जीवन में आपको अच्छी तरक्की दिला सकते हैं, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों यदि आप अगले 5 दिनों में ये आदतें आप अपने अंदर डाल लेते हैं तो यकीन मानिए अब आपका जीवन बदल जाएगा, भविष्य में आपको अच्छे परिणाम हासिल होंगे। क्योंकि दोस्तों परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा मजबूत ही रखना चाहिए। यदि किसी काम को करने की आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, दृढ़ है, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपने प्रयासों के जरिए हर काम को आप संभव बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते हैं वैसे ही इंसान की इच्छा शक्ति भी कमज़ोर होने लगती है, इसकी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों किसी भी हालत में आपको मजबूत इच्छा शक्ति रखने की आदत आपको जीवन में पार लगा देगी, बहुत आगे तक लेकर जाएगी और आपको भरोसा नहीं होगा कि ये मैं हूँ या फिर ये सब कुछ मैंने करके दिखाया है, यानी इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। तो दोस्तों यकीन मानिए कि जो ज़िंदगी आपको मिली है वो उतनी भी बुरी नहीं है, इसीलिए आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाकर अपना जीवन बिता सकते हैं, ताकि आपका नाम रोशन हो, माता पिता का नाम रोशन हो और समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो। इसके अलावा देखिए, यदि कोई व्यक्ति वक्त का पाबंद नहीं होता तो उसे तो आप किसी छोटे सफलता के मिलने की मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है अगर इंसान वक्त की अहमियत समझ जाता है तो वो वक्त भी इंसान की अहमियत समझ जाता है। यानी पैसा अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसको तो इंसान वापस कमा सकता है, लेकिन हाथ से अगर वक्त चला गया वह वक्त हाथ में वापस कभी नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर कामयाब व्यक्तियों में ये खास बात देखी जाती है कि वो जल्दी ही सो जाते हैं और जल्दी उठकर वक्त के पाबंद बनकर अपना काम भी समय पर पूरा कर लेते हैं। इसीलिए अगर आप अपने वक्त के पाबंद हैं या अपने वक्त की अहमियत समझते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपकी यही आदतें आपको बुलंदियों पर लेकर जाएंगी, आपका भविष्य निर्धारित करेंगी, जीवन में मनचाही सफलता दिलाएंगी। तो दोस्तों आप ज़्यादा समय के लिए ना सही, केवल 5 दिनों के अंदर ही इन आदतों को अपनाते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो इसके जो परिणाम होंगे वो आपको हिलाकर रख देंगे। और देखिए, इस जीवन में यदि आप कोई ऐसी आदतें अपनाते हैं जो आज के पहले आपने कभी नहीं की हैं, हालांकि टाइम तो लगता है किसी चीज़ को चेंज होने में, लेकिन अगर आप अपने दोस्त के साथ रहते हैं और मान लेते हैं कि वो कुछ गलत काम करता है, तो देखिए अगर उनके साथ आप ज़्यादा वक्त तक रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी उनकी तरह गलत काम करने लगेंगे, यानी कि जैसा वो है वैसे ही आप बन जाएंगे। इसीलिए ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने चेतन मन में उन आदतों को आजमाएं जो आदत या गुण आपको फ़ायदा दिला सकते हैं, और ऐसे लोगों से बचकर रहें जो गलत हैं या अलग तरीके अपनाते हैं। इसीलिए अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो ऐसे गुणों को अपनाने की आदत आपको हो जाएगी और जो बुरी आदतें आपके अंदर हैं उसको आप आज ही बाहर निकाल दीजिए और किसी काम में व्यस्त हो जाइए। क्योंकि दोस्तों व्यस्तता ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बुरी आदतों से दूर रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान व्यस्त होता है उसे दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, वो फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। तो दोस्तों ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने समय को अहमियत देते हैं,
कैसे उसका सदुपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।